हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं कैस्टर ऑयल के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, बिकॉज़ विंटर्स आ गए हैं, तो आप सभी को कैस्टर ऑयल और उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ प्रिटी अफोर्डेबल। तो मैंने ये कैस्टर ऑयल जो है वो रीपर्चेज किया है, एंड इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ml, एंड ये प्योर कैस्टर ऑयल है, एंड इसका प्राइस है 40 रुपीज़, बट ये स्टोर प्राइस मुझे 30 रुपीज़ में मिला है, एज़ यू कैन सी हियर। या इस पे 10 रुपीज़ ऑफ मिला है, विच इज़ वेरी गुड। एंड या इसकी जो डेट ऑफ पैकेजिंग है वो सितंबर 2017 है, सो एंड एक्सपायर डेट है आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ रीपैकिंग अ मंथ। ओके, तो 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। लेट मी जस्ट ओपन दिस। सो दिस इज़ द पैकेजिंग, एंड या इसकी जो प्योरिटी का, इसकी जो ओरिजिनल यू नो कैस्टर ऑयल होने का साइन ये है कि अंदर भी इस पे कैस्टर ऑयल के बारे में लिखा हुआ है हिंदी में, अरंडी का तेल। आप देख सकते हैं, इसको अरंडी का तेल बोलते हैं हिंदी में, जी हाँ। एंड इसके बारे में अंदर भी लिखा हुआ है, इसके प्राइस के बारे में भी। जो चीज़ें बाहर प्रिंट हैं वही चीज़ें सेम अंदर भी प्रिंट हैं। सो या दिस इज़ वेरी गुड। एंड आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डेट ऑफ पैकेजिंग एंड यू नो एक्सपायरी डेट, एंड ये कहाँ पर बनता है। एसके केमिकल्स का प्रोडक्ट है ये, एंड इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस। दिस इज क्वाइट टाइट। सॉरी, दिस इज द कैस्टर ऑयल, यू कैन सी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक है, एंड इसकी जो आप देख सकते हो, एंड ये जो इसकी स्मेल होती है वो इसी की खुद की स्मेल होती है, तो इसमें कोई और स्मेल नहीं है जो कि कैस्टर ऑयल में स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड इसके अब मैं आपको यूजेस बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप इसको अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली फॉर पहले मैं लड़कों के लिए बता देती हूँ, जिनके दाढ़ी बहुत कम उगती है या जिनको अच्छी लगती है, तो वो अपनी बियर्ड को उगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप मसाज कर सकते हैं अपने गालों पे, एंड आपकी जो दाढ़ी है वो डेफिनेटली घनी हो जाएगी, आपकी मूछें डेफिनेटली घनी हो जाएंगी अगर आपको चाहिए तो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस, अगर आपके ये टिप्स तो मेंस के लिए था, एंड नाउ अब सभी के लिए है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपका सर लिटरली बालों से चमकने लगा है, गंजा दिखने लगा है, तो आप डेफिनेटली इसका 1 चम्मच विटामिन ई कैप्सूल के जो लिक्विड उसमें निकलता है उसमें मिक्स करके अपने बालों में, उनकी जड़ों में मसाज कीजिए, एंड डेफिनेटली आपके बाल 1 से 1.5 महीने के अंदर वहाँ पे उग जाएंगे। यस। एंड अगला जो इसका सबसे अच्छा यूज़ है वो है आपकी पलकों के लिए। अगर आपकी पलकें बहुत हल्की हैं या आपको घनी पलकें अच्छी लगती हैं या आपकी पलकें झड़ रही हैं, तो आप उन्हें क्योर करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, घना बनाने के लिए क्यू टिप पे एक बूंद यू नो कैस्टर ऑयल की लेके आप डेली हर रात में सोने से पहले कैस्टर ऑयल मसाज करके या फिर लगा के सो सकते हैं। आपकी जो पलकें हैं वो धीरे धीरे घनी होने लगेंगी, एंड अगर आपकी स्किन जो है वो यू नो बहुत ज़्यादा लाइन पड़ने लगी हैं, फाइन लाइंस दिखने लगी हैं, तो आप उनको क्योर करने के लिए कैस्टर ऑयल को अपने फेस पे डायरेक्टली कुछ बूंदें लेकर के मसाज कर लीजिए नहाने से पहले। उसके बाद ल्यू वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से आप अपना चेहरा धो लीजिए, उससे आपको अमेजिंगली रिजल्ट मिलेगा। यस। एंड इसका अगला जो यू नो यूज़ है वो है, आप इसको किसी भी फेस पैक में इसकी 1 से 2 बूंदें मिला लीजिए, ये आपके लिए एंटी एजिंग का काम करेगा। अगली जो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है, आप इसे ग्लिसरिन और यू नो गुलाब जल में मिक्स करके इसकी कुछ बूंदें, आप इसे एज अ बॉडी टोनर, बॉडी यू नो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कभी भी ड्राई स्किन नहीं होगी आपकी हाथों की ना पैरों की। एंड अगर आपकी कोहनी और आपके घुटने बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो आप कैस्टर ऑयल से
उन्हें सॉफ्ट बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, एलोवेरा जेल और विटामिन ई में मिला करके। अगर आपका जो आईब्रोज बहुत हल्की हैं, आपको घनी आईब्रोज अच्छी लगती हैं, तो आप अपनी आईब्रो उगाने के लिए कैस्टर ऑयल को एक क्यू टिप पे लेकर के जिस शेप में आपको आईब्रोज चाहिए उसमें आप लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ आपको घनी आईब्रोज जो हैं वो मिल जाएंगी, अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो। इसके ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो कि आप कर सकते हैं, एंड इसका ये इतना चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल अगर आप अपने डेली रूटीन में करते हो विच इज़ अमेजिंग फॉर यू फॉर योर ब्यूटी बेनिफिट्स, एंड दिस इज़ मल्टीपर्पज़ ऑयल। एंड अगर आपके नाखून बहुत हल्के हो गए हैं तो आप उन्हें मजबूत और चमकदार बनाने के लिए इससे मसाज कर सकते हैं, एंड स्पेशली फॉर हेयर्स आप अपनी हेयर ग्रोथ को 2 गुना 4 गुना जितना भी घना बनाना चाहते हैं आप कैस्टर ऑयल यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको कैस्टर ऑयल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रारा। आप मेरा फेसबुक पेज रारा एंड इंस्टाग्राम पेज रारा भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगली वीडियो में, एंड प्लीज़ यूज़ दिस कैस्टर ऑयल इन दिस विंटर, यूज़ रेगुलरली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।